कौमी तराना गाया जाएगा, जैसे अभी आपने देखा कौमी तराना गाया जाएगा। कौमी तराना खत्म होने के बाद आप सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। खत्म हो डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी, उनके पीछे डॉक्टर मोहम्मद शफी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी, उनके पीछे डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज सर फॉर्मर वीसी वी अम्मानू हैदराबाद मेहमान एजाजी जो है हमारे वो आ रहे हैं और हमारे हर तशरीफ ला रहे हैं। जामिया उर्दू हमारी नाज़िशे हिंदोस्तां, जामिया उर्दू हमारी नाज़िशे हिंदोस्तां, जामिया उर्दू हमारी नाज़िशे हिंदोस्तां, जामिया सरजमीने आंदरा पे चश्मे उर्दू रवां, गूंजती है रात दुनिया इल्म ओ हिकमत की अज़ां, जामिया उर्दू हमारी नाज़िशे हिंदोस्तां, जामिया उर्दू हमारी नाज़िशे हिंदोस्तां, है हमारे मशाले इल्मो हुनर, साथ चलता है हमारे रहनुमाई का कमर, साथ चलता है हमारे रहनुमाई का कमर, अब हमारे रास्ते हैं अब हमारे हैं सफर, का भी है विरसा बहम, है हमारे दिल पे इरफा ने गजाली भी रकम, है हमारे दिल पे इरफा ने गजाली भी रकम, चल पड़े हैं इब्ने सीना का उठा कर हम अलम, जामिया उर्दू हमारी नाज़िशे चांदनी का ये वरद, तब कहीं जाकर मिला है चांदनी का ये वरद, तब कहीं भूली मुजफ्फर इल्म दानिश की शफ़, जामिया उर्दू हमारी नाज़िशे हिंदू।
मैं इज्जत बाप चांसलर और गवर्नर आंध्र प्रदेश से इजाज़त चाहता हूँ कि कन्वोकेशन के आगाज का ऐलान करूँ। आई सीक परमिशन फ्रॉम द ऑनरेबल चांसलर एंड गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश टू डिक्लेयर द कन्वोकेशन ओपन। श्री विश्वभूषण हरिचंदन साहब गवर्नर आंध्र प्रदेश और यूनिवर्सिटी के चांसलर, श्री डॉक्टर आदि उलंकू सुरेश साहब इज्जत नाब वजीर तालीम हुकूमत आंध्र प्रदेश, अली जनाब डॉक्टर असलम परवेज साहब साबिक वाइस चांसलर मौलाना आज़ाद गौली उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद, श्री बी श्रीनिवास रजिस्ट्रार जनाब मोहम्मद इरफान प्रिंसिपल इंचार्ज डॉक्टर मोहम्मद शफी कंट्रोलर इम्तहानात हमाई दिन शहर सनद याफ्ता तलबा व तालिबात व खवातीन व हज़रात। मैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल के तमाम मेंबरान और खुद अपनी जानिब से इस खुशगवार व यादगार जलसे तकसीम असनाद में आप सब मुहिबान उर्दू का दिली खैर मकदम करता हूँ और सनद याफ्ता तलबा को मुबारकबाद और उनके वालदैन की खिदमत में हदीय तकरीब पेश करता हूँ। दोस्तों, 2 जून 2014 को मुश्तरका आंध्र प्रदेश दो सूबों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तकसीम हो गया। इसके नतीजे में आंध्र प्रदेश में उर्दू अकेडमी और उर्दू यूनिवर्सिटी के क़याम की ज़रूरत महसूस की गई। चुनांचे आंध्र प्रदेश के पहले वज़ीर आला श्री चंद्रबाबू नायडू ने इन दोनों इदारों का ऐलान किया और बहुत जल्द उनका क़याम अमल में आ गया। 9 नवंबर 2015 को कर्नूल से 17 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े कस्बे ओरकल में उर्दू यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखा गया। इस तरह AP Act 13/2016 के तहत उर्दू यूनिवर्सिटी वजूद में आ गई। 16 अगस्त 2016 को यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह किया गया और दूसरे ही रोज 17 अगस्त 2016 को उस्मानिया कॉलेज के कैंपस में क्लासों का आगाज हो गया। नीज यूनिवर्सिटी के इब्तदाई आर्जी तकरीबा भी अमल में लाए गए। साल डेढ़ साल के बाद जगह की तंगी के बाईस उर्दू यूनिवर्सिटी को वहाँ से तब्दील करके उर्दी रोड पर वाकई कुशादा मुकाम में इमारत में ही मुंतकिल किया गया। उर्दू यूनिवर्सिटी का नाम कर्नूल के माहिर तालीम डॉक्टर अब्दुल हक के नाम पर रखा गया है जिन्होंने अपने ज़माने में तालीम के फ़रोग के लिए बेलौस खिदमत अंजाम दी है। उर्दू यूनिवर्सिटी के लोगों में 3 लफ्ज़ लिखे गए हैं, मोहब्बत, मेहनत और खिदमत। ये महज 3 अल्फाज नहीं जिंदगी के 3 बड़े उसूल हैं जिनमें कामयाब जिंदगी के राज पोशीदा हैं। मोहब्बत तख्लीक़ कायनात है, मोहब्बत हासिल हयात है, मोहब्बत हर अख़लाक़ी मरस की दवा है। उर्दू के एक शायर ने कहा है कि मोहब्बत ने ज़ुल्मत में काढ़ा है नूर, ना होती मोहब्बत ना होता जहूर। सच्ची मोहब्बत के साथ अनथक मेहनत कीजिए और मेहनत भी जज्बे खिदमत से सरशार होकर कीजिए, देखिए आप तीनों दुनिया दोनों में कामयाब हो जाएंगे। डॉक्टर अब्दुल्ला उर्दू यूनिवर्सिटी में तलबा और फैकल्टी सबको यही तर्ज हयात सीखने की तलकीन की जाती है क्योंकि उर्दू यूनिवर्सिटी अपने तलबा को असली उलूम ही से मुजयर नहीं करना चाहती बल्कि उनके अंदर आला अखलाक पैदा करके उन्हें समाज में मोहब्बत और कुव्वत के साथ बेतरस खिदमत करने वाला बनाना चाहती है। जब उर्दू यूनिवर्सिटी शुरू की गई तो जुमला 5 मज़ामीन पढ़ाए जाते थे, उर्दू, अंग्रेज़ी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और कंप्यूटर साइंस। सरदस्त उर्दू यूनिवर्सिटी में 8 शोबों में 13 कोर्स जारी हैं। इनके अलावा कौमी कौंसल बरए फ़रोग़ उर्दू ज़बान नई दिल्ली के इश्तराक से डिप्लोमा इन उर्दू लैंग्वेज एंड सर्टिफिकेट इन उर्दू लैंग्वेज अरबिक लैंग्वेज कोर्स भी चलाए जाते हैं। 2016 में उर्दू यूनिवर्सिटी 74 तलबा और तालिबान से शुरू की गई थी। आज 5 वर्षों के बाद तलबा की कुल तादाद 311 है जबकि इंसाब रजिस्टर शुदा तलबा से मिलाकर तलबा की तादाद 400 तक पहुंचती है। कोविड-19 होने के बावजूद इंसाब कुल 307 अर्जियाँ मंसूर हुई। कोविड-19 का खौफ व खदशा न होता तो यह तादाद कहीं ज़्यादा होती। इस बार मदरसे के तलबा को भी दाखिले की इजाज़त मिल गई है और कई तलबा और तालिबान ने अर्जियाँ इंसाब की हैं। यूनिवर्सिटी के आबाद में सिर्फ 6 असातिज़ा और 6 नफूस पर मुश्तमिल गैर तदरीसी अमला था, अब 19 असातिज़ा और 18 गैर तदरीसी अमला है। हमें ये बताते हुए फख्र महसूस हो रहा है कि हमारे 18 असातिज़ा में से 13 असातिज़ा के पास PhD की सनद है और बाकी 5 में से 3 असातिज़ा ने PhD के लिए रजिस्टर कर रखा है। अब तक 3 पोस्ट ग्रेजुएट और 2 अंडर ग्रेजुएट जमातों ने कोर्स मुकम्मल किया और वो इम्तहानात में कामयाब होकर फारिग हो चुकी हैं। इनमें से कुछ तलबा और तालिबात को मुलाजमतें मिल गई हैं और कुछ आला तालीम हासिल कर रहे हैं।
कामयाब तलबा की शरह 97% है। हमारी 6 तालिबात ने पहली कोशिश में एबसेट का इम्तहान कामयाब किया और 1 तालिबा ने कौमी सतह के इम्तहान नेट में भी कामयाबी हासिल की। जहाँ तक कर्ज तदरीस का ताल्लुक है, हमने 10.5 उर्दू यूनिवर्सिटी के लिए दूरसानी तरीके तदरीस को मुनासिब समझा है। इसका तरीक़ेकार यह है कि तमाम मजामीन सिवाय एमए अंग्रेजी के उर्दू में पढ़ाए और समझाए जाएंगे, यानी मजामीन की तदरीस उर्दू में होगी और इसी के साथ अंग्रेजी में भी इस मजमून को समझाया जाएगा। इसी तरह हैंडआउट्स या दस्ती पर्चे उर्दू और अंग्रेजी में दिए जाएंगे ताकि तलबा उर्दू और अंग्रेजी दोनों जबानों में मजमून को समझे और उनके इजहार पर कुदरत हासिल करें। ये वाजह रहे कि दस्ती पर्चे या हैंडआउट्स मखानों की सूरत या आर्टिकल्स की सूरत में नहीं बल्कि अहम निकात या पॉइंट्स की शक्ल में दिए जाते हैं ताकि तलबा उन्हें समझकर क्लास में आए और अपने साथियों से गुफ्तगू करके इफ़ाम व तफ़हीम करें। उर्दू यूनिवर्सिटी के क़याम के बाद से आज तक 5 बरसों में हमने 2 कौमी सेमिनार और 1 कौमी वर्कशॉप नहायत कामयाबी के साथ मुनक़िद किया है। गज़ल कल आज और कल के मौजू पर शोबे उर्दू ने और ट्रांसलेशन थियरी एंड प्रैक्टिस उनवान के तहत शोबे अंग्रेजी ने कौमी सेमिनार मुनक़िद किए। हाल ही में शोबे उर्दू ने एक कौमी वर्कशॉप यानी जदीद साइंसी और तकनीकी तालीम बज़रिए उर्दू का इनेकाद किया जिसकी मुल्क भर में पेशीनाई की गई। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने उर्दू यूनिवर्सिटी के लिए ओरकम में 144 एकड़ ज़मीन अता की है। हमने आरसी हदबंदी करने के अलावा नहायत खूबसूरत और कारआमद मास्टर प्लान बना रखा है। 2 इमारतें यानी अकेडमी इमारत और वुमेंस हॉस्टल की इमारत की तरतीब 11 करोड़ और 7.30 करोड़ रुपये और अंदरूनी सड़कें 2.2.10 करोड़ रुपये के सरफेस पर तैयार हो रही हैं। दोनों इमारतें 20% और अंदरूनी सड़कें 80% तैयार हो चुकी हैं। योम अखिलती महबूब के मौके पर जिला कलेक्टर श्री वीरा पांडियन साहब की दरख्वास्त पर इज्जत माम चीफ मिनिस्टर श्री जगन मोहन रेड्डी साहब ने उर्दू यूनिवर्सिटी के लिए 20 करोड़ रुपये के इजरा का ऐलान फरमाया जिसकी पहली किस्त 4.16 करोड़ रुपये जारी करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। उम्मीद है कि चंद महीनों में ये दोनों इमारतें तैयार हो जाएंगी और उर्दू यूनिवर्सिटी ओरकल मुंतकिल हो जाएगी। जब से डॉक्टर अब्दुल्ला उर्दू यूनिवर्सिटी कायम हुई है, विजयवाड़ा और उर्दू के अहले उर्दू का मुसलसल इसरार रहा है कि यूनिवर्सिटी की एक शाख वहाँ खोली जाए। चुनाचे गुज़िश्त 7 जून में मुनक़िद एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग में इस तजवीज़ को मंजूरी दी गई है और मंगलगिरी में उर्दू यूनिवर्सिटी शाख खोली जाएगी। उम्मीद है कि बहुत जल्द इस पर अमल आवरी होगी। कुछ अहलकार हजरात ने उर्दू यूनिवर्सिटी के लिए 6 गोल्ड मेडल इनायत फरमाए हैं। तेलुगु के मशहूर मारूफ शायर डॉक्टर शेषेंद्र शर्मा की महिला मुबारक श्रीमती इंदिरा देवी धनराज गेर ने कंप्यूटर साइंस के लिए, प्रोफेसर रहमत यूसुफ जई ने उर्दू के लिए, डॉक्टर हशमत मेहदीली खान ने MBA के लिए, जनाब अब्दुल करीम साहब ने अपने नाम से अंग्रेजी के लिए और अपनी अहलिया मोहतरमा फौजिया मरहुमा के नाम से इकोनॉमिक्स के लिए और डॉक्टर अमीनुल्ला ने अपने उस्ताद प्रोफेसर मुजफ्फर शाहमी के नाम से यूनिवर्सिटी के फारिग़ुत्तहसील तलबा में सबसे बेहतर तालिब इल्म के लिए गोल्ड मेडल मरहमत फरमाया है। तलबा की तालीमी और तहफीकी सलाहियतों के फ़रोग देने के गरज से डॉक्टर अब्दुल्ला उर्दू यूनिवर्सिटी मुल्क और बैरून मुल्क के मौका दानिशगाहों के साथ याददाश्त मुफारत या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत किए हैं। मौलाना आज़ाद कौमी उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद, तिरुवल्लुवर यूनिवर्सिटी बैरून एंड नो प्रॉफिट एजुकेशन ट्रस्ट वाशिंगटन USA के साथ हमने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है। यूनिवर्सिटी में बरसरकार असातिज़ा के तस्लीम करदा जुमला 23 तहकीकी मकाले इल्मी और अदबी मजामीन रिसर्च आर्टिकल्स शाया हो चुके हैं। इसके अलावा हमारी 4 किताबें शाया हो चुकी हैं। मौजूदा हुकूमत ने इंशाल्लाह आइंदा तालीमी साल में MSc ज़ूलॉजी और MSc बॉटनी के 2 नए कोर्सों का आगाज किया जाएगा। एग्जीक्यूटिव काउंसिल से हमें इसकी इजाज़त मिल गई है। तदरीसी अमले में इजाफे के गरज से डिप्रेशन की बुनियाद पर चंद एसोसिएट प्रोफेसरों की खिदमत हासिल हो जाएंगी। तालीम और तदरीस के असर तकाजों की तकमील हमारा अहम मकसद है। बहुत जल्द हम एक लैंग्वेज लैब शुरू कर रहे हैं। बार कौंसिल और दीगर मुतालिका महकमों से इजाज़त हासिल हो जाने के बाद इंटीग्रेटेड लैब के अलावा एक और मुफीद पैरामेडिकल कोर्स भी शुरू करने का इरादा है। कौमी कौंसिल बनाए फ्रोह में उर्दू नई जबान नई दिल्ली के तालुक से बहुत जल्द कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन काबा और डिप्लोमा इन टेलीग्राफिक एंड ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स का आगाज़ हो जाएगा। इस खसूस में ज़रूरी रस्मी कार्रवाइयाँ अपने आखिरी मरहल में हैं। उर्दू यूनिवर्सिटी को इजाज़त और मालिया फराहम हो
तो मंजूर सितार इस्लामी कुतुब को जूर इस्लामी तरीके से और बाइलिंगुअल तरीके से असर और शाया करने का इरादा रखती है। हमारी यूनिवर्सिटी में वॉलीबॉल और क्रिकेट की दो बड़ी मजबूत टीमें हैं। हम इन टीमों को सूबाई सतह पर ले जाने के पाहा हैं। आखिर में फिर एक बार तमाम सनद याफ्तगान को दिली मुबारकबाद पेश करते हुए उनसे यह तवक्को रखता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप समाज में अपने अनपढ़ और कम इल्म भाइयों और बहनों को इल्म की रोशनी से मालामाल करेंगे, उनके साथ बराबरी का मामला करेंगे और उन्हें अपने साथ चलने के काबिल बनाएंगे। हर यूनिवर्सिटी अपने इलाके के जहालत को अंधेरे को मिटाने की पाबंद होती है। डॉक्टर अब्दुल्ला कुर्दो यूनिवर्सिटी भी इसकी पाबंद है और आपने आप सब पर यह फर्ज आयद होता है कि आप समाज और अपनी कौम की इस्लाह का बेड़ा उठाएं। हमारे अजायम बुलंद हैं और इरादे मजबूत हैं। वो दिन दूर नहीं जब कुर्दो यूनिवर्सिटी अपने सुलसानी तर्ज तदरीस के बायस एक मिसाली नमूना बनकर उभरेगी। शुक्रिया। जय हिंद। Vice Chancellor to administer documents for the students in Urdu and English. तमाम संध्याता तलवार से दरखास्त है कि वो आहट करने के लिए खड़े हो जाएं। All the graduates receiving degrees today, please stand up for pledge. और मेरे साथ जब मैं अपना सवाल खत्म करूं तो आप कहेंगे कि मैं आहट करता हूं या करते हूं। I do promise, English में आप बोल सकते हैं। अपना दायां हाथ सामने रखिए। क्या आप हल्फिया और खुदू से दिल से वादा करते हैं कि अगर आपको वो डिग्रियां अता की जाए जिनके लिए आपने कामयाबी हासिल की है तो आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी और गुफ्तगू में ऐसा रवैया इख्तियार करेंगे जो इस यूनिवर्सिटी के फारिग तलबा के शायने शान हो? कहिए कि मैं वादा करती हूँ। क्या आप हल्फिया और खुलूस दिल से वादा और ऐलान करते हैं कि आपको हासिल तमाम तर मौके और सलाहियतों के डू यू प्रॉमिस दैट द अटमोस्ट ऑफ योर अपॉर्चुनिटी एंड एबिलिटी यू विल सपोर्ट एंड प्रमोट द काज ऑफ मोरालिटी एंड साउंड लर्निंग? क्या आप हल्फिया और खुलूस दिल से वादा और ऐलान करते हैं कि आप जिस पेशे से आखिरकार वाबस्ता होंगे उसके फराइज पूरी ईमानदारी और मुस्तैदी के साथ करेंगे और आप तमाम मौकों पर उसकी पाकीज़गी और यू प्रॉमिस दैट यू विल फेथफुली एंड केयरफुली फुलफिल द ड्यूटीज ऑफ द प्रोफेशंस दैट यू आर ट्रेंड फॉर दैट यू विल ऑन ऑल ओकेशंस maintain the purity and reputation and that you will never deviate from the straight path of their honorable exercise by making you Chancellor, there are total 11 gold medals. 16-18 badge, Hina Gulab. Gold medal in MA Urdu, 2017-19 badge, yes, Asma Ul Husna. MA Urdu Gold Medal 2018-20 Batch, yes, Banu B. MA Urdu Gold Medal 2018-20 Batch, yes, Banu B. Gold Medal in MA English 2016-18 A, Leela Shravanti. Gold medal in English, Leela Shravanti. MA Karim gold medal for MA English 2017-19 batch, P. Mohsina Begum. Fauzia Khatun Gold Medal in MA Economics 2017-19 Batch, Shireen Samreen. Shireen Samreen 2017-19 Batch.
I welcome our Honorable Education Minister, Dr. Adhanupal Suresh Garu. It's our pleasure to welcome you, sir. 2018-20 Fauzia Khatun Gold Medal in Economics is Afrin Sultana. I also welcome our beloved member of Legislative Assembly, Sri Fiskan Garu. Welcome, sir. Sri Rajkumari Indra Devi Dhanraj Gerji, Gold Medal for Computer Science, 2018-20 batch, M. Prabalika. M. Prabalika, 2018-20 batch, Gold Medal in Computer Science. Dr. Ashwat Mehdi Ali Khan, Gold Medal for Best Performance in MBA. Shobha Rani, 2018-20 batch. Shobha Rani, 18-20 batch, MBA. And finally, Professor Muzaffar Ali Shamiri, Gold Medal for Best Outgoing Student of the Year, goes to Chinna Monica Prasanna, Computer Science, for 2020 batch. 2018-20. And it is also a pleasure to welcome the Vice Chancellor of Ryerson University. और मोहब्बत के साथ जनाब हफीज़ खान साहब उनके वालिद मोहतरम दोनों का इस मजलिस में और जो हमारे यूनिवर्सिटी के लोग हैं इन सबका इस्तकबाल कर रहा हूँ। हेलो, कैन यू हियर मी? यस यस आई एम। कैन यू हियर मी? यस यस। शैल आई प्रोसीड? या। शैल आई प्रोसीड? यस। Sir, I welcome our Honorable Minister for Education, Government of Andhra Pradesh, Dr. Sri Adimulyam Suresh Sahab. And I request you to present your lecture, but before that, I'll present a small brief note about your life, sir. Dr. Adimulyam Suresh Sahab, 27 April 1964, Yes, sir. See, Mr. Kelly, on the DC, Honorable Governor for Andhra Pradesh, His Excellency, Sri Chancellor of the University, Guest of Honor, former Vice Chancellor, Maulana Ajad, the National Rupee, Chancellor, Professor Zafar Alizi, Registrar, Dr. Abdul Haku, University Professor Srinivasulu Bainini, member of the Executive Council, and all the awardees of today. Dr. Abdul Haku, University, very good morning to all of you, and the print and public video present there. And, dear dosto, Assalamu alaikum. यही वाली आउट देखते ही देखते सारी दुनिया में फैल गई। आज देश विदेश हर जगह दो बोल आउट समझी एक आ है दो है इसका नाम अमीर जानते हैं लगा सारे जहां में सारी बाकी है यूनिवर्सिटी के है मुझे जानकर में दो भाषाएं अब वक्त है कलेजी किताब का कीनोट एड्रेस बाय चीफ फॉरेन एड्रेस
इनको फर्स्ट खिताब देने से पहले उनका मुख्तसर 30 दिसंबर 1954 को दिल्ली में पैदा हुए। दिल्ली कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और यहीं से पीएचडी की डिग्री हासिल की। आपकी मुलाजमत का आगाज वैसे लेक्चरर के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुआ, बाद हजा आप डॉक्टर जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज से मुंसलिक हुए। चंद साल बाद इसी कॉलेज के प्रिंसिपल मुकर्रर हुए। इसी दौरान आपका तकर्रुर मौलाना आजाद कौमी उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के वाइस चांसलर की हैसियत से हुआ और आप यहीं से सुबुदोश हुए। डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज बुनियादी तौर पर एक उस्ताद हैं, वो तलबा में बेहद मकबूल हैं। उनकी मकबूलियत का आलम है कि फारिगुल तहसीन तलबा भी आपसे रब्त में रहते हैं और इल्मी इस्तेफादा करते हैं। दर्स व तदरीस से हटकर आपकी इंतजामी सलाहियतों की एक दुनिया मुतरफ है। आपने डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज के प्रिंसिपल और मौलाना आजाद कौमी यूनिवर्सिटी के उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की हैसियत से जो खिदमात अंजाम दिए हैं वो अपनी मिसाल आप हैं। एक और खसूसियत डॉक्टर असलम परवेज की ये भी है कि आप कुरान शरीफ को साइंस और जदीद उलूम की रोशनी में समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। आपने कुरान और माहौलियात और दीगर मजामीन पर मकालात और किताबें लिखी हैं। अल्लाह सुबहान ताला आपकी इस बेलौस खिदमत को कबूल फरमाए। इस मुख्तसर से तारुफ के बाद आपसे इल्तिमास है कि खुतबा जलसे तफसील इस्लाम मरहमत फरमाए। आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल गेस्ट टू डिलीवर कीनोट एड्रेस प्रोफेसर डॉक्टर असलम परवेज साहब।